प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुधवार 5 जनवरी को फिरोजपुर में होने वाली रैली रद्द हो जाने से सियासी माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। पीएमओ ने रैली रद्द होने का कारण सुरक्षा प्रबंधों में चूक होना बताया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र को इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। उनका कहना था कि पीएम मोदी दोपहर 12 बजे बठिंडा एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे और यहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनका काफिला सड़क मार्ग से रैली स्थल की ओर रवाना हुआ। पर 11 किलोमीटर पहले उनके काफिले को किसानों द्वारा फ्लाईओवर पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लगाए गए जाम के कारण 20 मिनट तक रुकना पड़ा और इसी के कारण बठिंडा एयरपोर्ट पर उन्हें वापस लौटना पड़ा। गृह मंत्रालय ने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक मानते हुए राज्य सरकार से इस बारे में रिपोर्ट तलब की है। अब सवाल ये भी उठता है कि पीएम के आने जाने के रूट पर एसपीजी 48 घंटे पहले कब्जा कर लेते हैं, राज्य की पुलिस भी उसी के आदेशों पर काम करती है, आईबी और रॉ भी पल पल की खबर रखते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी एक्टिव रहती है, निकटवर्ती एयरपोर्ट और अस्पताल अलर्ट कर दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री के खून का ग्रुप रिजर्व कर दिया जाता है। अब इतना तामझाम होते हुए भी पीएम का जाम में फंसना कई सवाल खड़े करता है। पीएम मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? पीएम की सड़क या हवाई यात्रा के दौरान क्या प्रोटोकॉल होते हैं? पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए कौन है जिम्मेवार? आइए पीएम की सुरक्षा के पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को समझते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी के कंधे पर होता है। सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी की होती है। प्रधानमंत्री के चारों ओर पहला सुरक्षा घेरा एसपीजी जवानों का ही होता है। पीएम की सुरक्षा में लगे इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बता दें कि इनके पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर जैसे मॉडर्न हथियार होते हैं। अब प्रधानमंत्री के दौरे के प्रोटोकॉल की बात करें तो किसी राज्य में पीएम के दौरे के समय 4 एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था देखती हैं, एसपीजी, एएसएल, राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन। एडवांस सिक्योरिटी संपर्क टीम यानी कि एएसएल प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हर जानकारी से अपडेट होती है। एएसएल टीम केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के संपर्क में होती है। केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी एएसएल की मदद प्रधानमंत्री के दौरे की निगरानी रखने में करते हैं। स्थानीय पुलिस पीएम के दौरे के समय रूट से लेकर कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा संबंधी नियम तय करती है। आखिरकार पुलिस के निर्णय की निगरानी एसपीजी अधिकारी ही करते हैं। केंद्रीय एजेंसी एएसएल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल और रूट की सुरक्षा जांच करता है। इसके साथ ही एसपीजी पीएम के करीब आने वाले लोगों की तलाशी और प्रधानमंत्री के आसपास की सुरक्षा को देखता है। स्थानीय प्रशासन पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं। क्या पीएम की सुरक्षा में चूक के लिए सिर्फ एसपीजी ही जिम्मेदार है? ऐसा नहीं है। पीएम को सुरक्षा देने की पहली जिम्मेवारी भले ही एसपीजी की हो, लेकिन किसी राज्य के दौरे के समय स्थानीय पुलिस और सिविल प्रशासन भी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। प्रधानमंत्री के रूट को तय कर उसकी जांच और उस रूट पर सुरक्षा देने का काम स्थानीय पुलिस और प्रशासन का ही होता है। पीएम के काफिले का नेतृत्व करने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य के डीजीपी की भी होती है। उनके नहीं मौजूद होने की स्थिति में दूसरे सबसे सीनियर अधिकारी प्रधानमंत्री के काफिले के साथ रहते हैं। प्रधानमंत्री की हवाई यात्रा के दौरान क्या प्रोटोकॉल होते हैं, इसकी बात करें तो पीएम किसी कार्यक्रम में अगर हेलीकॉप्टर के जरिए जा रहे होते हैं तो किसी खास परिस्थिति के लिए कम से कम एक वैकल्पिक सड़क मार्ग तैयार रखने का नियम होता है। इस रास्ते पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच सीनियर पुलिस अधिकारी पीएम के दौरे से पहले करते हैं। इस रास्ते पर सुरक्षा जांच रिहर्सल के समय एसपीजी, स्थानीय पुलिस, खुफिया ब्यूरो और एएसएल टीम के अधिकारी सभी शामिल होते हैं। एक जैमर वाली गाड़ी भी काफिले के साथ हमेशा रहती है। यह सड़क के दोनों ओर 100 मीटर दूर तक किसी भी रेडियो कंट्रोल या रिमोट कंट्रोल डिवाइस को जाम कर देते हैं।
यह रिमोट से चलने वाले बम या आईडी में विस्फोट नहीं होने देता। आपको बता दें कि पीएम मोदी की सुरक्षा पर रोजाना 1,62,00,000 रुपए खर्च होते हैं। साल 1981 से पहले भारत के प्रधानमंत्री के आवास की सुरक्षा की जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस के उपायुक्त की होती थी। इसके बाद सुरक्षा के लिए एसटीएफ का गठन किया गया। यहां आपको बता दें कि ये तस्वीर 1980 के बाद बदली है। साल 1981 से पहले भारत के प्रधानमंत्री के आवास की सुरक्षा की जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस के उपायुक्त की होती थी। इसके बाद सुरक्षा के लिए एसटीएफ का गठन किया गया। तो इस तरह से होती है भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी। अधिक जानकारी के लिए बने रहें द समन न्यूज के साथ।